हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्ज़ी जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगी और थोड़ा अलग तरीके से है। सादी भिंडी तो हम लोग हमेशा खाते हैं, तो यहाँ देखिए मैंने 1-1 इंच में भिंडी को काट लिया है, इतना बड़ा बड़ा। और इसको यहाँ पे मैंने आलू भी 2 काट लिए हैं, ये मोटे टुकड़े में। 500 ग्राम मेरी भिंडी थी, 2 आलू था। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी, 2 बड़े चम्मच के करीब। और देखिए यहाँ पे मैंने 2 प्याज, लहसुन की कलियाँ और 3 हरी मिर्च ली है। इसको मैं थोड़ा सा जार में डाल के 1-2 बार बस चलाऊँगी, दरदरा पीसने तक, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल डाला था, उसमें हल्दी पाउडर डाल दिया 1/2 चम्मच, और उसी में मैं आलू को फ्राई कर लूँगी। आलू को हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनेंगे, थोड़ा सा मीडियम आँच पर ही भूनेंगे। देखिए यहाँ आलू मेरा हो चुका है और मैं इसको निकाल लूँगी। आलू मेरा 90% तक पक गया था भूजते भूजते ही। और यहाँ पे फिर मैं जो तेल बचा था उसी में मैं भिंडी को भून लूँगी। भिंडी को भी थोड़ा सा जब तक ऊपर का परत ब्राउन ना हो जाए तब तक भूनना है। ये मेरा प्याज वाला पेस्ट बन गया है। अब यहाँ देखिए भिंडी भी मेरी धीरे धीरे हो चली है, अब इसको मैं निकाल लूँगी। जो प्याज वाला पेस्ट बनाया था मैंने, वो थोड़ा दरदरा ही होना चाहिए, बारीक बहुत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल और डाल दिया है, और इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालूँगी खड़ा, और थोड़ा सा सरसों का दाना 1/2 चम्मच, और उसमें थोड़ी सी हींग डालूँगी, और थोड़ा सा लहसुन मैंने लंबे लंबे काट के डाले हैं। इस भी सब्ज़ी में लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही पड़ेगा। फिर उसके बाद जब लहसुन हो जाएगा तो हम प्याज वाला पेस्ट डाल देंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद हम 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, इतनी सारी चीज़ें डाल देंगे। हल्दी हम नहीं डालेंगे क्योंकि हल्दी हमने आलू में डाली थी। इतना सब मसाला इसको हम भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद उसके बाद हम भिंडी और आलू डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी बहुत झटपट तैयार होती है और खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। इसको हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे कि थोड़ा बहुत जो मेरा कच्चा भिंडी था और आलू वो एकदम अच्छे से पक जाए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे हम देख लेंगे कि देखिए आलू पक गया है कि नहीं। देखिए आलू पक चुका है। सब्ज़ी देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। अब हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। और इसको चला लेंगे, चला के फिर हम गैस बंद कर देंगे। और यहाँ देखिए मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई, बहुत जल्दी बनती है और बहुत टेस्टी लगती है। तो आप भी ट्राई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।